छतरपुर में बीती रात दिल्ली से लौटे हुए लगभग 25 मजदूरों के कुछ परिवारों को पठापुर रोड पर स्थित एक भवन में ठहराया गया। प्रदीप चौरसिया लक्ष्य ने बताया कि उन्हें इस बात की जानकारी मिली थी कि ये लोग भटक रहे हैं और उनके रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। तब उन्होंने अपने निर्माणाधीन भवन में, जो कि पहले भी प्रशासन को ऑफर किया गया था कि अगर कभी ऐसी स्थिति बने तो वे भवन का उपयोग कर सकते हैं, यहाँ पर इन मजदूरों के परिवारों को रुकाया गया और रात में भोजन, पानी और सोने की व्यवस्था की गई। इसके बाद अगले दिन सुबह यानी मंगलवार को सुबह चाय नाश्ते के बाद दोपहर में कल्लू रावत और उनके सहयोगियों की टीम द्वारा भोजन की व्यवस्था कराई गई और उन्हें बाकायदा बिठाकर भोजन कराया गया। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत करके उन्हें गंतव्य तक भेजने की व्यवस्था भी टीम द्वारा की जा रही है। ये मजदूर गाजियाबाद से चलकर आए हुए हैं और ये छतरपुर में रात में फंसे हुए थे। इनको रहने की कहीं व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि प्रशासन को भी अवगत करा दिया गया था। और उसके बाद से फिर सिया चौधरी जी हैं, आबकारी में पदस्थ हैं इंस्पेक्टर, उन्होंने मुझसे संपर्क किया तो फिर मैंने इन लोगों को रात में अपने ही सेल्टर में रुकाया है। यहाँ पर कितनी संख्या में कहाँ से आए हुए? ये छोटे बच्चों को मिलाकर टोटल 25-27 बच्चे लोग हैं और छोटे मासूम बच्चे भी हैं इनके साथ में, जो रात में भूख प्यास से तड़प रहे थे। उनको खाने पीने की व्यवस्था मेरे द्वारा कराई गई। और इनके जाने का कैसा क्या इंतजाम है? क्या प्रशासन से कोई व्यवस्था? प्रशासन अभी मैंने सिटी कोतवाली टीआई सर से बात की है और सिटी कोतवाली टीआई सर ने बोला है कि यहाँ से हम गाड़ी की व्यवस्था दे रहे हैं पन्ना तक की, फिर पन्ना प्रशासन और आगे उन लोगों को और आगे भेजाएगा। ये लोग पन्ना जाना चाह रहे हैं, पन्ना जिले के पवई के रहने वाले हैं। जी बताएं, क्या नाम है और किस तरह की व्यवस्थाएं किसके लिए की जा रही है? मेरा नाम आशीष शर्मा है और हमारे छोटे भाई कल्लू रावत, उनकी टीम, पूरी टीम, पूरे जितने भी शहर में जो भी जिनको भोजन की व्यवस्था चाहिए उनको भोजन की व्यवस्था कराई जा रही है, जिनको राशन चाहिए उनको राशन दिया जा रहा है, जो भी व्यवस्था, जिस प्रकार की व्यवस्था चाहिए सभी व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है लोगों को।